मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नामांकन से पहले अपनी सरकार के 5 साल का लेखा जोखा जनता के सामने रखा। इस अवसर पर भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, भारत सरकार में राज्य मंत्री कौशल किशोर, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अध्यक्ष और राज्य मंत्री डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल भी उपस्थित रहे। 5 वर्ष के कार्यकाल के इस अवधि के दौरान 3 वर्ष की एक यात्रा हमारी वह है जिसमें निर्विघ्न रूप से प्रदेश सरकार ने प्रदेश की छवि को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया, लेकिन अगले 2 वर्ष वैश्विक महामारी कोरोना एक चुनौती बनकर के न केवल हमारे सामने बल्कि पूरी दुनिया की मानवता के सामने जीवन और जीविका दोनों के लिए चुनौती बनकर के सामने आई थी। यह हम सबका सौभाग्य है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में भारत का कोविड प्रबंधन दुनिया के लिए एक नजीर बना, जिसमें जीवन और जीविका दोनों को बचाने के बेहतरीन अनुभव भी थे और जो व्यापारिक कार्य योजना भारत ने लागू की उसके परिणाम को भी दुनिया ने सराहा। क्षेत्रफल की दृष्टि से 4था बड़ा राज्य, लेकिन अर्थव्यवस्था की जब बात आती थी तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 6ठे 7वें स्थान पर गिनी जाती थी। 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 6ठे 7वें स्थान तक चल रही थी और 70 वर्षों में जो काम नहीं हो पाया, मात्र 5 वर्ष में ही उत्तर प्रदेश की इस इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को हम देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश को प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में 1947 से लेकर के 2017 तक इन 70 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय 43,000 से लेकर 46,000 वार्षिक ही बन पाई थी। आज यह वार्षिक आय, प्रति व्यक्ति आय जो वार्षिक है, यह हम लोग 94,000 तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। 2015-16 में उत्तर प्रदेश का जो वार्षिक बजट था वह मात्र 2,00,000 करोड़ के आसपास था। कोविड-19 के बावजूद यह वार्षिक बजट 6,00,000 करोड़ तक पहुंचने में सफल रहा। उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान हम लोगों ने व्यापक पैमाने पर रोजगार सृजन और नौकरियों को देने की कार्रवाई भी आगे बढ़ाई, जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना कालखंड में भी दुनिया के अंदर हर एक जगह अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरी असर पड़े, रोजगार पर विपरीत असर पड़ा। उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने स्किल मैपिंग की हर एक प्रवासी कामगार और श्रमिक की। हम अपना सीडी रेशो बढ़ाने में सफल रहे। जिस राज्य में बैंकों में जमा धन जमा प्रदेश की पूंजी के अनुपात में 41% लोग ही लोन ले पाते थे, उस राज्य में यह बढ़कर के लगभग 57 से 60% तक पहुंचा है। सीडी रेशो को हमने बढ़ाया। एमएसएमई सेक्टर में व्यापक पैमाने पर लोन उपलब्ध करवाया, ट्रेनिंग के कार्यक्रम चलाए, तकनीक को बढ़ाया और जब देश की प्रतिष्ठित संस्था ने इस सीएमआई ने जब उत्तर प्रदेश की अनएम्प्लॉयमेंट रेट की तुलना की तो 16-17 में जो लगभग 18% था, आज वह 3% पर आया है।
या किसी भी राज्य के लिए और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए एक उपलब्धि कही जा सकती है। जहां पिछली सरकारें रिफॉर्म करने में, पुलिस मॉडिफिकेशन करने में विफल थी, क्योंकि वह पुलिस को अपना व्यक्तिगत टूल बना करके उसका दुरुपयोग करना चाहती थी, उससे ठीक इतर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने पुलिस में रिफॉर्म करने में कोई कोताही नहीं बरती। 4 पुलिस कमिश्नरेट हम लोगों ने लागू की, पुलिस की अत्याधुनिक अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए कार्य किया, हर पुलिस लाइन में पुलिस कार्मिकों के लिए आवासीय सुविधा, हर थाना में पुलिस कार्मिकों की आवासीय सुविधा, महिला और पुलिस कार्मिकों के लिए अलग अलग सुविधाएं, बैरक का निर्माण, पुलिस लाइन का निर्माण, नए थानों का निर्माण, फायर टेंडर का निर्माण, ये सभी कार्रवाई को भी स्तर पर आगे बढ़ाया। और प्रदेश के अंदर इसका परिणाम है कि वर्ष 2016 से अगर हम 16-17 की तुलना हम 21-20-21 से करें तो प्रदेश के अंदर जो NCRB का नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया की जो डाटा है उसके अनुसार डकैती के मामलों में लगभग 58%, लूट के मामले में 64%, हत्या के मामले में 23%, फिरौती हेतु अपहरण इसके मामले में 53%, दहेज मृत्यु में 8% और बलात्कार के मामलों में 43% कमी देखने को मिली है। यानी बड़ा राज्य होने के बावजूद हम लोग इन सभी मामलों में इतनी कमी लाने में सफलता प्राप्त हुई है।